हजार ऐसे लोग आ रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं, कोई टूरिस्ट से कोई छेड़ता नहीं, वो रात के दो दो बजे यहाँ चल सकते हैं। हमें तो कई वतन के उन जगहों पर डर लगता है अगर हम रात को निकलेंगे, यहाँ वो डर नहीं। इसलिए इसकी तरफ मैं अपील करूंगा आपकी तरफ से कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप बताएं, आप लोग टेलीविजन के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वो कश्मीर को उजागर करें और लोगों को ये कहें कि आए और देखिए हमारी खूबसूरती। और अल्लाह ने सब बर्फ भी बहुत डाल दी है, गुलमर्ग में भी बहुत बर्फ है, पहलगाम भी बहुत खूबसूरत है, सोनमर्ग की सड़क अब खुलने वाली है, वहाँ भी बहुत बर्फ है। आइए देखें इस खूबसूरत वतन को। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, इलेक्शन में भी आपसे कोई छेड़ेगा नहीं, इलेक्शन चलता रहता है और वतन चलता रहता है। हम अगर वोट नहीं देंगे तो हम अपनी किस्मत बता नहीं सकते। इस वोट के लिए जम्मू कश्मीर के आवाम ने बहुत तकलीफें उठाई है, 45 में उन्होंने टिकटियां खाई, उस वक्त हम लोग तकदीर बदला सकते हैं सारे, न सिर्फ अपनी बल्कि सारे वतन की तकदीर बदला सकते हैं। ठीक है, ये तो पब्लिसिटी नेगेटिव थी। फिर आप देखिए इसी सरकार जो दिल्ली है इसके गवर्नर थे, एक रियासत में गवर्नर थे, उनका बयान देखिए, वो हमारे हाथ में तो नहीं था, कट्टरपंथी है वो, आरएसएस का आदमी है, कश्मीर मत जाओ, हमारा यात्रा के लिए मत जाओ, कुछ खरीदो मत, ये तो उनकी सोच कट्टरपंथी। मगर याद रखिए इनसे बड़ा खुदा है, वही रजा वही से पहुंचाए, ये बंद नहीं कर सकते। यहाँ लोग आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे, ऐसी जन्नत मैं नहीं समझता हूँ कहीं भी दुनिया में, मैं दुनिया में घूमा हूँ मगर कश्मीर जैसी जन्नत मैंने नहीं देखी। आप ये जानते हैं ये हुकूमत किसकी, गवर्नर जो बैठा है तो बीजेपी का गवर्नर है और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का गवर्नर नहीं है, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। इन्हें उसको पता भी नहीं होता कि दिल्ली से ऑर्डर आता है, इसाक बंद कर दो दिन, और राजा सिंह ने तो साबित कर दिया कि उनका ऑर्डर है। और आज जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्हें भी बयान दिया, इन्हें ये याद रखना चाहिए हम इनके गुलाम नहीं हैं। अगर ये अपनी गुलामी हम पे ठोकना चाहते हैं तो फिर तैयार रहें, जो यहाँ पे फिर होगा उसको ये कंट्रोल नहीं कर सके। Thank you.